हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ाराफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ सुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। हमारे 12th के चैप्टर भी चल रहे हैं और 11th के भी। और 11th में आज से मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, बायो मोलिक्यूल्स, जो कि NCERT क्लास 11th का चैप्टर है, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। और जैसा नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा सेम नोट्स मैं आपको PDF फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। अगर या फिर आपको कोई भी इंक्वायरी या फिर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विजिट करें टेलीग्राम पर। तो हम देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम लिंक, और टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी दे रखा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है इस लेक्चर से, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर जाकर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। टेस्ट देना आपको, टेस्ट सीरीज या भी कोई भी, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम पर। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है आज, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज मौजूद है इस दुनिया में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है लगभग लगभग एक ही तरह के केमिकल, सेम तरह के केमिकल से बने हैं, सेम तरह के एलिमेंट, सेम तरह के कंपाउंड से बने हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज इस दुनिया में मौजूद है। इफ़ वी परफॉर्म एन एलिमेंटल एनालिसिस ऑन ए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल वेस्ट पेस्ट, वी ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स। अगर हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब कि पता लगाते हैं एलिमेंट के बारे में कि क्या क्या एलिमेंट मौजूद है प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में या माइक्रोबियल पेस्ट में, तो हम लोग को एक लिस्ट मिलेगी एलिमेंट्स की, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे अदर एलिमेंट्स की लिस्ट मिलेगी हम लोग को, ठीक है, अगर हम लोग एलिमेंट एनालिसिस करते हैं तो। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन ए सिमिलर लिस्ट। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट? अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं एलिमेंट एनालिसिस अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे एलिमेंट एनालिसिस करते हैं कि अर्थ क्रस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम लोग को लगभग सिमिलर लिस्ट देखने मिलेगी एलिमेंट्स की, मतलब कि अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स हैं, दोनों अगर कंपेयर करेंगे तो लगभग लगभग जो भी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में हैं वो सारे एलिमेंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट है और अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट है लगभग लगभग दोनों सेम है, ठीक है। बस फर्क क्या हो जाता है, फ़र्क ये हो जाता है कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है, या कुछ एलिमेंट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत कम अमाउंट में है और कुछ एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में बहुत वो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो अमाउंट का जो डिफरेंसेस वो देखने मिल सकता है, ठीक है। इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू।
तो हम लोगों को ज़्यादा डिफरेंसेस देखने नहीं मिलेगा। अर्थ क्रस्ट के सैंपल में जो भी एलिमेंट्स मौजूद है वो सारे एलिमेंट्स जो है एक लिविंग टिश्यू में भी देखने मिलेंगे, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। हाउ एवर ए क्लोज एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस क्या आता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट जो है, कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के कंपेयर करें अगर हम लोग तो, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में और हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट का कंपेयर करें तो कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में कम अमाउंट में होता है। अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन और हाइड्रोजन होता है लेकिन अमाउंट कम होता है, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, कैसे पता लगाएं केमिकल कॉम्पोजिशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं मौजूद। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दो दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है, उनको हम लोग समझेंगे। टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन पता लगाना है तो हम लोग केमिकल एनालिसिस करना होगा। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, ए वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लीवर एंड ग्रेन इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOOH यूजिंग ए मॉर्टल एंड ए पेस्टल वी ऑब्टेन ए थिक सलरी। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्यूबल पूल एंड द सेकेंड कॉल्ड द रिटेंटेट और द एसिड इन सॉल्यूबल पूल। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं अब ध्यान से समझिए, मैं बताता हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। केमिकल एनालिसिस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, देखिए ये है मॉर्टल एंड पेस्टल, ठीक है, ये वाइट लंबा वाला जो है ये है पेस्टल और ये गोल वाला जो है ये है मॉर्टल, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं ध्यान से, हमने क्या किया, हम लोगों को क्या करना है कि लेना है एक लीवर टिश्यू ले लो या लीवर का टुकड़ा रैट के या कोई भी एक पत्ता ले लो, ठीक है, कोई भी एक पत्ता ले लो या फिर कोई एक सब्जी का टुकड़ा ले लो, ठीक है, एक सब्जी का टुकड़ा ले लो, सपोज एक सब्जी का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, और उस सब्जी के टुकड़े को हमने क्या किया कि इस मॉर्टल में डाल दिया, ठीक है, और पेस्टल मॉर्टल में हमने क्या किया, सब्जी के टुकड़े को डाल दिया और ऊपर से हमने क्या किया ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया, ठीक है। इस मॉर्टल में हमने क्या किया, इस मॉर्टल में हमने सब्जी का टुकड़ा डाला और ऊपर से हमने ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि पेस्टल, जो पेस्टल दिख रहा है, इस पेस्टल की मदद से हमने इसको हम ग्राइंड किया, ठीक है, अच्छा से इसका एकदम भरता बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा से मार मार के पेस्टल की मदद से हमने क्या किया, बहुत अच्छा सलरी तैयार किया गया, भरता तैयार किया गया, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो सलरी तैयार की, जो भरता हमने तैयार किया, उस सिलरी को हमने क्या किया बाहर निकाला और बाहर निकाल करके एक चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ के ऊपर रख दिया,
मतलब कि एक चीज़ क्लॉथ है, इस चीज़ क्लॉथ के ऊपर हमने स्लरी रख दी है सर, ठीक है। अब क्या होगा कि इस स्लरी में, इस भरते में जो भी लिक्विड चीज़ होगा, लिक्विड जो कंटेंट होगा, जो भी लिक्विड चीज पार्ट होगा, वो लिक्विड पार्ट जो है नीचे आ जाएगा पास होकर के। इस कॉटन क्लॉथ से, चीज़ क्लॉथ से क्या होगा, चीज़ क्लॉथ को पार करके जो भी लिक्विड कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा नीचे, ठीक है। और जो भी सॉलिड मटेरियल है, सूखा पदार्थ जो है, वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, हमने स्लरी को बाहर निकाला और यहाँ पे डाल दिया इस चीज़ क्लॉथ में। नीचे मैंने एक कटोरी रख दी, ठीक है। जो भी लिक्विड था स्लरी में वो फिल्ट्रेट होकर के इधर आ गया यहाँ पर इस कटोरी में, लिक्विड पार्ट। और जो सूखा पार्ट था, जो इस चीज़ क्लॉथ को पार नहीं कर पाया, वो यहाँ इसी यहीं पे रह गया, ठीक है, ठीक है। तो इस लिक्विड पार्ट को हमने बोला फिल्ट्रेट, या बोला हमने एसिड सॉल्यूबल पूल, ठीक है। इस लिक्विड पार्ट को हमने क्या बोला, फिल्ट्रेट, या हमने बोला एसिड सॉल्यूबल पूल, ठीक है। और ये जो सॉलिड पार्ट है, जो चीज़ क्लॉथ को पार नहीं कर पाया, तो उसको हमने क्या बोला, इसे हमने बोला रेटेंटेट, क्या बोला, रेटेंटेट, या बोला, और उसे हमने बोला एसिड इनसॉल्यूबल पूल, रेटेंटेट या एसिड इनसॉल्यूबल पूल, ठीक है। आ रहा समझ में आपको? चलिए मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको एक बार यही चीज़, ठीक है। हमने क्या किया, चाय बनाया, सपोज कर ली कि चाय पत्ती जो है वो कोई वेजिटेबल है, ठीक है। और जो दूध डाला हमने वो समझ ली कि वो लिक्विड ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड है, ठीक है। तो हमने ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड समझ ली दूध है, और चाय पत्ती समझ लीजिए क्या है, वो चाय पत्ती समझ लीजिए वेजिटेबल है कोई, ठीक। चाय जब बन गई, चाय बनने के बाद हमने छन्नी से क्या किया, चाय को निकाला कप में, तो कप में सारा लिक्विड पार्ट आ गया और चाय पत्ती क्या थी वो छन्नी में रह गई। तो जो चाय कप में आ गई है वो है एसिड सॉल्यूबल पूल, या उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। और चाय छन्नी में जो चाय पत्ती आग रह गया वो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो है रेटेंटेट, एसिड इनसॉल्यूबल पूल, ठीक है दोस्तों। आ रहा समझ में, ठीक है। फिल्ट्रेट, एसिड सॉल्यूबल पूल, और रेटेंटेट को बोलेंगे एसिड इनसॉल्यूबल पूल, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्यूबल पूल। एसिड सॉल्यूबल पूल मतलब लिक्विड पार्ट में साइंटिस्ट ने हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढे। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो लिक्विड पार्ट में एसिड सॉल्यूबल पूल में साइंटिस्ट को हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने मिले। देखिए ऐसे ही सलरी तैयार होती है, देख रहे हैं, ऑल दी कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। लिविंग टिश्यू में जो भी कार्बन कंपाउंड देखने मिलता है उस कार्बन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। लिविंग टिश्यू में जो भी कार्बन कंपाउंड है हर उस कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल, ठीक है। ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन वन वे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से ए लीव और ए लीवर एंड दिस इज कॉल्ड वेट वेट और ड्राई इट ऑल द वाटर एवापोरेट्स द रिमेनिंग मटेरियल
gives dry weight. Now, if the tissue is fully burnt, all the carbon compound are oxidized to gaseous form CO2, water vapor, and are removed. What is the remaining called? Ash. अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है, ठीक है। एक सूखा पत्ता, मतलब सॉरी, एक पत्ता लेना है, ठीक है, एक पत्ते को लेना है और फिर उस पत्ते को हम लोग बोलेंगे वेट वेट, वेट वेट, गीला पत, गीला वेट, वेट वेट। अब उस पत्ते को क्या करेंगे, सुखा देंगे, इस तरह सुखाएंगे कि पत्ते में जो भी वाटर मौजूद था वो एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। अब सूखे पत्ते को बोलेंगे हम लोग ड्राई वेट, क्या बोलेंगे, ड्राई वेट। आ रहा समझ में, हमने क्या किया, एक पत्ता लिया, ठीक है, उस पत्ते को हमने सुखाया, सुखाया तो पत्ता क्या हुआ, पत्ता में जो भी वाटर था वो एवापोरेट्स हो गया, ठीक है। अब उस सूखे पत्ते को हम क्या करेंगे कि जलाएंगे, ठीक है, उस सूखे पत्ते को क्या करेंगे हम लोग, जलाएंगे, ठीक है। जैसे सूखे पत्ते को हम लोग जलाएंगे तो उस पत्ते में जो कार्बन कंपाउंड होगा वो CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या होगा, उड़ जाएगा हवा में, ठीक है, और वाटर जो है वो भी वेपर बन के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, पत्ता जब जल जाएगा तो क्या बचेगा, राख। पत्ता क्या होगा, जलने के बाद पत्ता बन गया राख, ठीक है। दिस ऐश कॉन्टेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एट्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। अब ये जो ऐश है, इसमें ये जो राख है, ये जो ऐश है उसमें एलिमेंट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट देखने मिले हम लोग को, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत से एलिमेंट देखने मिले, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट ये भी देखने मिले, और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सल्फेट, फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में भी देखने मिले थे। अभी जो पिछला एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने उसमें भी सल्फेट, फॉस्फेट देखने मिले थे उसके एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। Why analysis for compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in living tissue? जब हम लोग elemental analysis करते हैं तो हम लोग को living tissue के अंदर क्या क्या element है, hydrogen, oxygen, chlorine और carbon के form में, उनके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। जब हम लोग elemental analysis करते हैं एक living tissue का, तो living tissue में क्या क्या element मौजूद है हाइड्रोजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में, क्लोरीन के फॉर्म में या कार्बन के फॉर्म में, वो सब हमको पता चल जाता है, ठीक है। जब एनालिसिस करते हैं हम लोग कंपाउंड के लिए, जब लिविंग टिश्यू के एनालिसिस करते हैं हम लोग ये पता लगाने के लिए कि उसमें क्या क्या कंपाउंड है, मतलब एनालिसिस करते हैं फॉर कंपाउंड, कंपाउंड के लिए एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है लिविंग टिश्यू में, क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्या क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू में। फॉर अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड एट्सेट्रा। अगर हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग को फंक्शनल ग्रुप देखने मिलेंगे जैसे कि अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को फंक्शनल ग्रुप जैसे मिलेगा एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक कंपाउंड। बट फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड क्लासिफाई देम इनटू अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड बेसिस फैटी एसिड।
लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को अमीनो एसिड देखने मिलेगा। हम लोग उन केमिकल कंपाउंड को अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड, इन चीज़ों में क्लासिफाई करेंगे अगर हम लोग बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे अमीनो एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी को भी आगे पढ़ना हम लोग को। तो शुरू करते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। देर आर फोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग फोर वैलेंसी पोजिशंस, दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड ए वेरिएबल ग्रुप डिजाइनेटेड एज आर ग्रुप। तो अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं फिगर देख करके। अमीनो एसिड जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अमीनो एसिड देख रहे हैं आप, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ देख रहा होगा आपको। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अमीनो एसिड में क्या क्या ग्रुप होते हैं देखिए। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है NH2, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, ठीक है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, एक होता है हाइड्रोजन H और एक होता है R। R जो होता है वो वेरिएबल है, वेरिएबल ग्रुप है, मतलब कि R की जगह पे कोई भी दूसरा ग्रुप आ सकता है। R की जगह पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, R की जगह पे मीथेन भी हो सकता है। ठीक है, R की जगह पे हाइड्रोक्सी मीथेन भी हो सकता है। तो R की जगह पे बहुत से कोई भी दूसरे ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर फिर से। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है NH2, दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है R जो कि वेरिएबल होता है। और ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। ठीक है, और इस अमीनो एसिड को हम लोग बोल सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देर आर मेनी अमीनो एसिड्स, हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप। आर ग्रुप के नेचर पे, मतलब आर ग्रुप की जगह पे कौन कौन दूसरे ग्रुप आते हैं उसके बेसिस पे अमीनो एसिड अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, आर ग्रुप के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप का हो सकता है। देखिए, इन द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीन एसिड अमीनो एसिड कुड बी ए हाइड्रोजन। आर ग्रुप की जगह पे अगर हाइड्रोजन मौजूद होगा, देखिए कार्बन इधर हाइड्रोजन था ऑलरेडी और यहाँ पे था आर ग्रुप, आर ग्रुप की जगह पे हमने रख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर अपना कार्बोक्सिल ग्रुप था और इस साइड अमीनो ग्रुप था। आर की जगह पे हमने क्या रखा? हाइड्रोजन। तो अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। तो इस अमीनो एसिड को हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। अगर हम लोग यहाँ पे एच को हटा दें और मीथेन रख दें CH3, तो उस अमीनो एसिड को बोलेंगे हम लोग एलानिन। क्या बोलेंगे? एलानिन। ठीक है, अगर CH3 को भी हटा दें और यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे हम लोग रख देंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो क्या बचेगा? एक मिनट, इस फिगर को डायरेक्ट देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोगों ने R के जगह पे H रखा तो अमीनो एसिड क्या बना? उसको बोला ग्लाइसिन। R के जगह पे हमने रखा CH3 तो अमीनो एसिड का नाम क्या पड़ा?
एलानिन, आर की जगह पर हमने रख दिया हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH, तो समझ लो सोड का हमने बोला सेरीन। ठीक है, ये एनसीईआरटी का फिगर है, ध्यान से देखिए और समझिए। ये अमीनो एसिड आर की जगह पर रखा एच तो ग्लाइसिन, आर की जगह पर अगर रखा CH3 तो एलानिन, आर की जगह पर अगर रखा CH2OH तो बोला सेरीन। आ रहा समझ में? उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा समझ में आपको। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप। आर ग्रुप के वेरिएबिलिटी की वजह से बहुत तरह के अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन अमीनो एसिड जो प्रोटीन में होते हैं वो सिर्फ 20 टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड जो प्रोटीन को तैयार कर रहे होते हैं तो वो टोटल 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जिनके वजह से प्रोटीन बनता है। ठीक है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप। इस बात को भी समझिए ध्यान से। देखिए, अमीनो एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है अमीनो ग्रुप पे, कार्बोक्सिल ग्रुप पे और आर ग्रुप पे। ठीक है, अमीनो एसिड का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? अमीनो ग्रुप के प्रॉपर्टी पे, कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रॉपर्टी पे और आर ग्रुप के प्रॉपर्टी पे। ठीक है, बेस ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स देयर आर एसिडिक दैट इज ग्लूटामिक, बेसिक लाइसिन एंड न्यूट्रल वैलिन अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का नंबर कितना है और कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर कितना है उसके बेसिस पे अमीनो एसिड का डिफरेंट टाइप होता है। मतलब कि देखिए, कार्बन इधर COOH ग्रुप है, अब ये COOH ग्रुप कितना है, तीन है या चार है या कितना भी है, और इधर आइए NH2 ग्रुप है। अब NH2 ग्रुप का नंबर कितना है, दो है या तीन है या चार या कितना भी है। ठीक है, तो NH2 और COOH इस दोनों ग्रुप के नंबर के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड होता है एक ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ऐसा अमीनो एसिड है जो कि एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। लाइसिन, लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड है, और वैलिन, वैलिन न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, सब याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। सिमिलरली देर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड है टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। ध्यान सुनिए मेरी बात को, अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड उसमें आयन भी देखने मिलते हैं हम लोग को, अमीनो एसिड में आयन भी देखने मिलते हैं। अगर NH2 में जो हाइड्रोजन है एक बढ़ा दिया जाए तो तीन हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आयन देखने मिले हम लोग को। उसी तरह अगर COOH में से H को हटा दें हम लोग, रिमूव कर दें, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव आयन हो गया। ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, तो अमीनो एसिड वालों को आयनाइजेशन, आयनाइजेबल नेचर भी देखने मिलता है अमीनो एसिड का। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, एक सॉल्यूशन है अमीनो एसिड, ठीक है, उस अमीनो एसिड का एक सॉल्यूशन है अमीनो एसिड का,
अब उस सॉल्यूशन अमीनो एसिड का पीएच बेसिक है या एसिडिक है या जो भी है, तो अमीनो एसिड के पीएच के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दूसरा तीसरा हो सकता है। ठीक है, अमीनो एसिड अगर बेसिक है मतलब कि सॉल्यूशन का जो पीएच है, अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है और पीएच बेसिक है, तो उस सॉल्यूशन में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ और होगा। अगर पीएच एसिडिक है, ठीक है, पीएच के एसिडिक है, तो उस वक्त अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर उस सॉल्यूशन में कुछ और होगा। तो इस टेबल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, एलिमेंट का कंपोजिशन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग कि लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में जो एलिमेंट मौजूद हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन 0.14 है और हाइड्रोजन लेकिन ह्यूमन बॉडी में 0.5 है। अर्थ क्रस्ट में मतलब कि बहुत कम है हाइड्रोजन का अमाउंट। कार्बन अर्थ क्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ 0.3 है लेकिन ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा है, कार्बन 18.5 है। ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में 46.6 और ह्यूमन बॉडी में 65। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में है लेकिन बहुत कम है, वेरी लिटिल, लेकिन ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन 3.3। सल्फर है अर्थ क्रस्ट में 0.03 और ह्यूमन बॉडी में 0.3 है। सोडियम अर्थ क्रस्ट में कितना है, 2.8, लेकिन ह्यूमन बॉडी में सोडियम बहुत कम है, 0.2। देख रहे हैं यहाँ पे, देख के आपको समझ में आ रहा होगा जो भी एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट में मौजूद है और ह्यूमन बॉडी मौजूद है, मौजूद तो दोनों में है, प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन उन एलिमेंट का अमाउंट जो है कम ज़्यादा है। किसी अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है तो ह्यूमन बॉडी में कम है, ह्यूमन बॉडी में अगर ज़्यादा है कोई चीज़ तो वो चीज़ अर्थ क्रस्ट में कम है। ठीक है, कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में 3.6% लेकिन 3.6% है बाई वेट लेकिन ह्यूमन बॉडी में 1.5 है। उसी तरह मैग्नीशियम 2.1, ह्यूमन बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 0.1 है। सिलिकन अर्थ क्रस्ट में 27.7 है लेकिन ह्यूमन बॉडी में सिलिकन जो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ देखिए लिविंग टिश्यू में जो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है उसकी लिस्ट है। यहाँ पर सोडियम देखने मिलता है लिविंग टिश्यू में Na+, पोटेशियम देखने मिलता है फॉर्मूला K+, कैल्शियम आयन देखने मिलता है Ca++, मैग्नीशियम आयन देखने मिलता है Mg++, वाटर देखने मिलता है H2O और कंपाउंड देखने मिलता है लिविंग टिश्यू में NaCl, CaCO3, PO4 3-, SO4 2-। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा बताना चाहूँगा, एक टॉप पॉइंट छूट गया है जो मैं बता दूँ। देखिए कार्बन है ऊपर, हाइड्रोजन सॉरी नीचे है आर ग्रुप, COO-, और इधर है NH3+। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन आयन। ठीक है, ज्यूटर आयन क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन NH3+ और इधर है COO-। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग अमीनो एसिड की इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। ठीक है, ज्यूटर आयन। फिगर थोड़ा छूट गया, पता नहीं कैसे छूट गया, खैर कोई नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिगर दिखा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।